जैसा कि आपने पूछा कि सांवा की खेती कैसे होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो इसको मैं बता दूँ, शहडोल ज़िले में आज से लगभग 70-80 वर्ष पूर्व जो है हमारे आदिवासी अंचल में जो है कृषकों के द्वारा जो है सांवा की खेती जो है मड़ुआ के साथ की जाती थी, परंतु जो है वर्तमान में जो है इसका रकबा निरंतर जो है घटता चला गया है। और इसका जो है वैज्ञानिक नेम जो है इकाइनोक्लोवा फ्रोमेंटेसिया है, और इसमें जो है बहुत से पौष्टिक गुण, स्वास्थ्य वर्धक जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर इसके 100 ग्राम दाने की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो है 65 ग्राम जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें वसा जो है 2% होती है, रेसा 9% होता है, प्रोटीन 6% होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक जो पोषक तत्व शरीर के लिए ज़रूरी होता है, यह प्रचुर मात्रा में जो है यह पाया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से जो होता है हमारे देश में जो है उत्तराखंड हुआ, बिहार हुआ, कर्नाटक, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य जो होते हैं, यहाँ पर जो है अधिकता में किया जाता है। चूँकि इसकी खेती के लिए जो होता है गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ पर 50-60% तक जो होता है वर्षा होनी चाहिए। इसके लिए भूमि जो होती है वो हल्की और दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो होता है जिसका पीएच जो है 6.5 से लेकर 8 होना चाहिए। इसके अलावा जो होता है भूमि में जो है लगभग 7-8 टन जो है गोबर की अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए, और इसमें जो है पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है 50 kg नाइट्रोजन, 30 kg फास्फोरस और 30 kg पोटास जो है भूमि की मृदा परीक्षण जांच के उपरांत जो है हमें इन पोषक तत्वों का है उपयोग करना चाहिए। अगर हम जो है किस्मों की अगर हम बात करें तो बीएल मड़ुआ जो होता है वह उनकी किस्में जो होती हैं उनका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो होता है DHBM जो हैं उनकी कई सीरीजें हैं, जैसे 23-2 है, इनका उपयोग करना चाहिए। CO1 जो है यह किस्मों का जो है हमें हमारे वातावरण के अनुसार जो है हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसकी जो बीज दर होती है 8-10 किलो जो है प्रति हेक्टेयर जो होता है उपयोग में लाना होता है, और इसकी जो दूरी होती है वह 25 × 10 cm, मतलब जो होता है 25 जो है आपकी लाइन से लाइन और 10 पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। और इसकी जो है हमें निदाई की अगर हम बात करें तो 20 से 25 दिनों में पहली निदाई करनी चाहिए। अगर हमारे कृषक जो थोड़ा सक्षम है, अगर वो पेंडामेथिलीन नामक जो है दवा जो होती बुआई के 3 दिनों के अंदर जो है नमी की अवस्था में 0.75 सक्रिय तत्व का जो है हमें प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए, और 20 से 25 दिनों में जो है हमें फिर से 2,4-D नामक जो है खरपतवार नाशी जो है 0.75 सक्रिय तत्व की जो है मात्रा हमें उपयोग में लाना चाहिए। परंतु वैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है कृषकों के द्वारा जो है जैविक खेती की जाती है, तो हमें इन रासायनिक कीट जो खरपतवार नाशी का उपयोग कम से कम या ना के बराबर उपयोग में लाना चाहिए। अगर हम इसकी सिंचाई की अगर हम बात करें तो ये वर्षाकालीन फसल है, जिसके कारण जो है इसमें वर्षा पानी की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जो है फल भरते समय मतलब दाने भरते समय अगर संवेदनशील अवस्था होती है, अगर आवश्यकता पड़े तब सिंचाई करनी चाहिए। और इसकी जो फसल है यह लगभग जो है 80-95 दिन की होती है, और इसके उत्पादन में लगभग जो है हमें लगभग जो होता है 12-18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है हमें उत्पादकता प्राप्त होती है। तो किसान भाई जो हैं जो हमारे द्वारा बताई गई कृषि में तकनीकियाँ अगर उनको अपना कर जो है किसान भाई इसका जो इस समय आप देखेंगे तो बाजार मूल्य बहुत ज़्यादा है। आप इसको लगभग जो है 200 रुपये kg जो है आप इसको बाज़ार में जो है इसके जो है चावल जो होता है इसकी जिसकी खीर बनती है, इसके कई उत्पाद बनते हैं, इडली बनता है, डोसा बनता है, तो आप देखेंगे बाज़ार में इस समय जो है 200 रुपये kg तक जो है इसका चावल जो है उपलब्ध है।